आपका बहुत मन है कि हम पढ़ाई करें और पूरा बिहार पुलिस को एकदम कंसंट्रेटेड होकर पढ़े और अच्छे से इसका पूरा सिलेबस को हम कवर कर पाए और एग्जाम में बैठने के बाद अच्छे से स्कोर कर पाए। कुछ बच्चे जैसे कि बहुत सारा फॉर्म गिरता है ना, 100% में कम से कम 30% बच्चे तो फॉर्म भरने के बाद भूल जाते हैं कि हम फॉर्म भरे, हमको तैयारी भी करना है। उनका ध्यान तब आता है जब एडमिट कार्ड उनके सामने निकलता है ना कि एडमिट कार्ड आ चुका है एग्जाम के लिए, तब वो तैयारी के लिए जाते हैं, क्लास कोचिंग पता करते हैं, कोई गाइड पता करते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट पता करते हैं, उसके बाद उनका जो है मनोबल टाइट होता है। तो क्या वो पास कर पाते हैं? ऐसे भी कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं जीके जीएस को पहले शुरुआत कर दें कि हिंदी को पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि बिहार पुलिस का जो आपका सिलेबस होता है कुछ इस प्रकार का होता है। स्क्रीनशॉट दिया कि सबसे पहला बात आपको हम बताते हैं कि तैयारी करने में दिक्कत और सबसे बड़ा कारण क्या बनता है किसी भी स्टूडेंट के सामने, समझिएगा। कारण लिखे हैं वही तैयारी करने का कारण है। सबसे पहला कि सिलेबस का ज्ञान नहीं होना। जिस वैकेंसी के लिए आप लोग ने फॉर्म भर दिया है इसका सिलेबस का ज्ञान आपके पास नहीं है। आपके पास हो सकता है, और भी जो लोग वीडियो नहीं देख रहे होंगे चाहे देख रहे होंगे उनके पास भी सिलेबस का ज्ञान नहीं होगा। हो सकता है पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे, हमें देख रहे होंगे, आनंद स्टडी वन को देख रहे होंगे, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा ताकि वीडियो आते रहेगा आप लोग के लिए, बहुत सारा वीडियो भी लाना है। सिलेबस का ज्ञान आपके सामने नहीं है, आपके पास नहीं है, इसका सबसे बड़ा रोल होता है आपका एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आने का क्वेश्चन। आप पास नहीं करेंगे, कहां से कर पाएंगे जब आप जिस फॉर्म को भरे हैं जिस वैकेंसी में जाने वाले हैं उसका सिलेबस का ज्ञान नहीं, कहां कहां से कितने क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट से कहां से क्वेश्चन आता है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब चीज अगर आपको नहीं पता है, जो कि हम बता चुके हैं, अगर नहीं पता है तो दिक्कत है, अगर ये पता है तो कुछ हद तक आप सही हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है कि कोर्स पूरा नहीं होना, यानी कि जीके जीएस आपको पता है कि आता है, मैथ पता है कि आता है, हिंदी पता है कि आता है, इंग्लिश पता है कि आता है, कोर्स पूरा नहीं है आपका, आप मैथ नहीं पढ़े हैं, हिंदी नहीं पढ़े हैं, जीके पढ़े हैं, जीएस छोड़ दिए हैं, तो कैसे कवर होगा? अपने से भी आप कर सकते हैं, बुक को उठाइएगा, कोई भी अच्छा बुक जो कि आपके पास जीके जीएस का होगा उठाइएगा। अभी हम कुछ बुक सजेस्ट भी करेंगे आपको प्रीवियस ईयर के तौर पे, जो कि आपका दिशा को बरकरार रखेगा, आपको बताएगा कि कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा वेट करिएगा बताएंगे। तो कोर्स का पूरा नहीं होना एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, यानी कि आपको सब कुछ पता है कि सिलेबस क्या है, आपको पता ही नहीं कि जीके जीएस में पढ़ना क्या होता है और क्या क्या पढ़ते, तो हमको याद रखना था ताकि हम एग्जाम में बना करके आते, किसी टीचर के पास आप नहीं पढ़े, बुक से भी नहीं पढ़े, ऑनलाइन भी नहीं पढ़े, ऑफलाइन भी नहीं पढ़े, तो कोर्स पूरा नहीं है, सिर्फ सिलेबस पता होने से तो नहीं हो पाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये भी बहुत बड़ा रोल निभाता है कोर्स को पूरा करना। अगर ये दोनों आप कर लिए, यानी कि आप कोर्स भी पूरा कर चुके हैं और सिलेबस भी आपको पता है क्या पूछेगा। तीसरा है कि आप मेहनत में कमी कर देते हैं। आप क्या करते हैं, बस पता है आपको, आप लाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ना छोड़ दिए हैं, मैंने 5 घंटा 4 घंटा भी मेहनत आप घर पर नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं किसी वैकेंसी से, मतलब 3 महीना 4 महीना ही, मतलब जब भी आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद 3-4 महीना एग्जाम हो जाता है, हम उतने समय अंतराल का बात कर रहे हैं। अगर उस समय तक भी आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, उस सिलेबस के अनुसार पढ़ नहीं रहे हैं, जो कोर्स के अनुसार आप नोट्स बनाए थे, जो आपके पास बुक है उसका अच्छे से फायदा नहीं उठा रहे हैं, प्रीवियस ईयर को नहीं समझ रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं ना, फिर भी एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाइएगा। तो 3 महत्वपूर्ण कारण जो कि आपको बताए कि सिलेबस का ज्ञान नहीं होना, कोर्स का पूरा नहीं होना और मेहनत में कमी होना, ये 3 चीज अगर आप मिला देते हैं, अगर आप कमजोर स्टूडेंट है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको कोर्स पूरा करना चाहिए, सिलेबस बाद में समझिएगा, कोर्स पूरा करिए, यानी कि मैथ भी उतना पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, और ये एक दिन में होने वाला नहीं है, ये चाहिएगा कि आज हम करेंगे 10 दिन बाद मेरा हो जाएगा, तो आपको खुद भी पता होगा कि नहीं होगा। तो मैथ कितना पढ़ना है वो बताता है कि क्वेश्चन कहां से कितना आ रहा है, जो सिलेबस दिए थे उसमें दिखा कि कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो चीज भी समझ में आता है कि अगर हम बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, तो जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो कहीं बेस्ट टीचर के पास या बेस्ट बुक के साथ या किसी बेस्ट फाउंडेशन क्लास के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं जीके जीएस को। सबसे पहले मैथ को छोड़ देंगे, जो पढ़े हैं 10th तक बस उतना ही, 10th लेवल का क्वेश्चन भी इसमें आता है, जो हम पढ़े हैं बस उतना ही, रीजनिंग को छोड़ देंगे, हिंदी को भी इग्नोर करते हैं, इंग्लिश को इग्नोर करते हैं, जीके जीएस 60 से 65 क्वेश्चन तक का जीके जीएस अगर आता है तो पहले इसका हम क्लास कर लेंगे। करीब 6-7 महीना क्लास करने के बाद आपको समझ में आएगा कोर्स में कहां कहां से क्या आता है। लेकिन सिर्फ क्लास करने से नहीं होगा, और कई सारे ऐसे एग्जांपल भी हैं जो कि क्लास नहीं किया, सिर्फ सेट प्रैक्टिस करके वो इतना ना सेट प्रैक्टिस कर लिया कि उसका सिलेबस भी आराम से पूरा हो गया पूरा कोर्स का, और वो आराम से एग्जाम में क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाया। क्योंकि आप जानते हैं कि जीके जीएस में अगर बात कर लें तो 2000 से 3000 से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता, मतलब 2000 से लेकर 3000 तक क्वेश्चन जीके जीएस में बनता है, उससे बाहर नहीं बनता है। और इतना क्वेश्चन अगर आप सेट प्रैक्टिस के द्वारा कर लेते हैं और याद कर लेते हैं तो फिर कोर्स करने का जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, शॉर्टकट ट्रिक आप अपना तो लेते हैं लेकिन वो अप्लाई इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा ना, सेट प्रैक्टिस करेगा तो कोर्स का पता नहीं है। अब इतिहास में आप क्या किए हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़े ही नहीं है, वहां से सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस कारण से कोर्स भी करना जरूरी होता है, यानी कि मैथ को पढ़ना फाउंडेशन तरह से, हिंदी को पढ़ना, इंग्लिश को पढ़ना, या जीके जीएस को कम से कम सबसे पहले पढ़ लेना बहुत। दूसरा कन्फ्यूजन आप लोग का कहां बनता है कि जब आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में आप लोग का कट ऑफ बहुत हाई चल जाता है, यानी कि कट ऑफ क्या हुआ उसका हाई चल गया, इस कारण से आप लोग प्रेशर में पढ़ते पढ़ते हड़बड़ा करके बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं और कहीं से भी पढ़ने लगते हैं। अभी 2 घंटा पहले मैथ बनाया, 2 घंटा बाद हिंदी पढ़ लिए, 2 घंटा बाद जीके को पढ़ लिए, 2 घंटा बाद जीएस को पढ़ लिए, ऐसे आप हौच-पौच कर रहे हैं, यानी कि पूरा आप उसको मिला दे रहे हैं और वो कभी भी फायदेमंद नहीं होगा आपके लिए। यानी आप कंफ्यूज होकर रह जाइएगा कि हमको पढ़ना क्या था और हम पढ़े क्या और हमको याद क्या रह पाया। इस तरह से नहीं पढ़िए, कभी भी एक टॉपिक को लगातार पढ़ने का प्रयास करिए। यानी जीके को पढ़ रहे हैं तो पहले जीके में कुछ समय देंगे, कुछ दिन हम देंगे ताकि अच्छे से हम टॉपिक को समझ पाएं, उसका नोट्स तैयार कर पाएं, उसके सिलेबस पर हम थोड़ा दिन रुक पाएं ताकि हमको समझ में आए, क्लियरिफाई हो कि कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम मिलाने का प्रयास करें, ना कि कभी कहीं कहीं पढ़ते चल जा रहे हैं, मतलब कहीं भी कभी भी समय दे पा रहे हैं, ऐसे करके पढ़ाई नहीं होता, सब ऐसे नहीं करते हैं। कुछ टॉप लोग जो होते हैं जो कि एग्जाम में पक्का है कि उसका निकलना ही है एग्जाम, उनसे पूछ करके देखिएगा, वो जरूर बताएंगे कि हम सिलेबस वाइज तैयारी की, यानी कि पहले एक चीज को कवर किए फिर उसको हटा दिए, फिर दूसरा चीज को कवर किए फिर उसको साइड कर दिए, फिर तीसरा चीज को कवर किए उसको साइड कर दिए। एक बार में सभी चीज को कवर करना मुश्किल है, वो तब होगा जब आपका पूरा कोर्स पे पूरा ध्यान है, मेहनत आप पूरा कर रहे हैं, सिलेबस का पूरा ज्ञान है, तब आप 3 महीने में कहीं से भी पढ़िएगा तो आपका रिवीजन हो रहा है। लेकिन शुरू करने के लिए थोड़ा सा आपको समय देना होगा, सिस्टमेटिक रूप से स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट पे समय देना होता है। उसी प्रकार से जब आप कट ऑफ को देखते हैं कि हाई हो रहा है तो आप किसी तरह से पढ़ना चालू कर देते हैं, वो बेहतर आपके लिए नहीं है। नहीं, एक सिस्टमेटिक रूप से आप बने रहिए और अपने आप पर मेहनत करते रहिए, कितना देर पढ़ें कैसे पढ़ें वो आप खुद सोच पाइएगा कि हमको कितना देर देना है, आप कितने नीचे लेवल में हैं तो आपको यहां पहुंचने के लिए कितना समय लगाना पड़ेगा। कोई यहां लेवल है, आप यहां हैं तो इतना दूरी है, कोई आप यहां लेवल है कोई यहां पे है तो बस इतना ही दूरी है, वो कम समय भी देगा तो पहुंच जाएगा, आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो अपने फाउंडेशन के आधार पर, यानी कि अपना बेस जो आपका मजबूत है पहले से, 10th लेवल के क्वेश्चन को बनाने का जो आपका तरीका था, यानी कि जीके जीएस को पढ़ने का, याद करने का जो आपका माइंड कहता है, मैथ के क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व कर पाते हैं वो आप जानते हैं, हम नहीं जानते, हम एक सामूहिक रूप में बात कर रहे हैं। तो उतना समय किसी को 2 घंटा में पूरा हो जाएगा, किसी का 5 घंटा, किसी को 10 घंटा में भी पूरा नहीं होगा, लेकिन मेहनत तो करना ही है। अगर 12 घंटा भी मांग रहा है तो करना है, क्योंकि आपको लेना है। और अगर नौकरी नहीं लेना है, बस फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड देखना है और एग्जाम में जाकर बैठने का इच्छा है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सारा आपको पढ़ाई कैसे करना चाहिए आप बताइए। पढ़ाई सबसे पहले आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपको प्रीवियस ईयर को देखना चाहिए, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है PYQ, यहां से आपको पता चलता है कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, किस चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर को छोड़ देना है। यहीं से समझ में आता है कि जो बिहार पुलिस में किसी भी कांस्टेबल में, मदनिषेध में, फॉरेस्ट गार्ड में, फायरमैन में कहां कहां से क्वेश्चन आया, किस सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन आया, कितना डीप में मैथ में क्वेश्चन है, इंग्लिश में, हिंदी में है, ये चीज अगर आप समझने लगते हैं तो फिर आपका काम बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। ये बताएगा कहाँ से आपको, आपको पता कैसे चलेगा, आप इसको ऑनलाइन सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उससे नहीं हो पाएगा, वो बस यूट्यूब पर ही रह जाएगा, आपके दिमाग में नहीं सेट हो पाएगा। एक बुक आपको हम सजेस्ट करते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम सजेस्ट कर चुके हैं, यहां भी करते हैं, क्योंकि बुक बेहतरीन है, आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आप बिहार का एग्जाम देते हैं, ये सब एग्जाम आप देते हैं, तो ये है आपका प्रीवियस ईयर का बुक, यानी कि इसमें टोटल बिहार के टोटल पेपर, बिहार में जो एग्जाम हुए हैं, जैसे कि BPSSC का जो सचिवालय सहायक का होता है, दरोगा का होता है, पुलिस का होता है, पुलिस में सारे एग्जाम्स में जो होते हैं, BSSC जो इंटर लेवल पर आयोजित जाता है, बिहार के अन्य परीक्षा, बिहार विधानसभा सहायक, पटना हाईकोर्ट, तो बिहार में घूमने वाला जो क्वेश्चन है वो जीके जीएस का है, मैथ का है, हिंदी का है, जो भी है वही घूमेगा। आपके एग्जाम में भी 30% से ऊपर क्वेश्चन इसी बुक से आएगा, पक्का है। इस बुक से मतलब आएगा तो पूरा है, लेकिन 30% कंफर्म इसलिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन मैच करेगा। क्यों मैच करेगा? प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में, आपको पता नहीं होता, इसलिए हम सजेशन देते हैं आपको, फॉलो करना फॉलो नहीं करना वो तो आपके हाथ में है, लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर को कभी मत छोड़िए। चाहे आप दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं, आप BPSC का एग्जाम दे रहे हैं, या बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आ चुका है, अब बिहार पुलिस में भी आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल में 14/3/2021 को, 21/3/2021 को, 22/10/2017 को, 2016 को, 2014 को, 2 पाली में प्रथम द्वितीय, जितना भी बार एग्जाम हुआ है सबका क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है। ये किताब को आपको हमेशा पास में रखना है, और जब भी चैप्टर को पढ़ना है तो इसको पास में रख करके, क्वेश्चन अगर बाबर से पूछा गया, महात्मा गांधी से क्वेश्चन आया, तो महात्मा गांधी से BPSC में भी क्वेश्चन आता है, UPSC में भी आता है, कांस्टेबल में भी आता है, लेकिन सबका लेवल क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसमें क्या पूछा गया, अगर 2014 में ये पूछा गया, 2016 में ये पूछा गया, 2018 में, 2019 में पूछा गया, तो उम्मीद है कि 2022 में भी इसी टाइप का कुछ प्रश्न आएगा। ये कब पता चलेगा? मेहनत जब आप करेंगे, कुछ समय आप इस पे देंगे, इस बुक पे, तब। ये बुक है आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, मतलब BPSSC, CSBC, BSSC का सभी क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब 14 से लेकर के अब तक जो एग्जाम हुआ है, और टोटल 4600 अध्यायवार प्रश्न का समावेश है, और टोटल का डिस्कशन भी काफी बेहतरीन दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी दिख रहा होगा, और ऐसे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ टोटल टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपको पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अगर हम कुछ क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, तो GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 में पूछा गया। अब ये पूछा गया को समझ में आता है कि GST से क्वेश्चन बना है, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन तो बनता नहीं है GST में, और भी बनता है, उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, याद नहीं करेंगे, देखने में क्या दिक्कत हो सकता है, एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो GST लागू करने वाला कौन सा है, तो यहां पे GST अर्थात वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला असम राज्य जो है भारत का पहला राज्य है, 1 जुलाई 2017 से GST नामक अप्रत्यक्ष कर, देखिए अप्रत्यक्ष कर है, पूछ देगा कि GST क्या है, कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष है। इसमें डिस्कशन भी दिया गया है, जो कि बेहतरीन है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं मेरे लिंक से, लिंक कहां मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जाकर के आप देखेंगे, इसका लिंक मिल जाएगा,
का भी है, फ्लिपकार्ट का भी है, जहां भी आपको मंगाना है उसे मंगा लीजिए और जरूर रखिए इस बुक को लाकर के, बहुत फायदा करेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज हम जो समझाने का प्रयास करते हैं आप जरूर समझते होंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार में घूमते रहता है लेकिन किसी को पकड़ने का क्षमता नहीं होता है कि कैसे हम इसको पकड़ करके रखें, क्योंकि आनंद स्टडी ऑनलाइन को सब फॉलो करते नहीं है, सब दूसरे दूसरे चैनल पर जाते हैं, वहां किसी अपडेट देखते हैं, वैकेंसी अपडेट देखे, आया अपडेट खुश हो गए, भूल गए, एडमिट कार्ड आया फिर अपडेट हो गए, 15 दिन पढ़ लिए, एग्जाम में गए कोई क्वेश्चन नहीं बना, सेटिंग के फेरा में रहे और घूम करके घर आ गए। लेकिन आप वो हैं जो कि हमेशा आपको हम बताते रहते हैं कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी होगा और कितना आप में मोटिवेशन चाहिए, कितना आपका एनर्जी चाहिए, जो कि आप इस वैकेंसी को आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, बस तरीका पता होना चाहिए। आप इसको उलझाऊ तरीका में ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आराम से पढ़िए, प्रीवियस ईयर के अनुसार पढ़िए और जो सिलेबस है जो आपको ईजी लगता है उसको सबसे पहले पढ़िए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। लास्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं कि हमको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए और क्या हम लोग को कोचिंग क्लास भी करना चाहिए, कितना फायदेमंद हो सकता है कोचिंग क्लास और अपने से हमें क्या पहले पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हम जवाब देना चाहेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा जग रहा है, यानी कि जो चैप्टर आपको पढ़ने मजा आ रहा, हो सकता है कि आपका जीके काफी अच्छा होगा और जीके में भी हिस्ट्री काफी अच्छा होगा या ज्योग्राफी काफी अच्छा होगा, पॉलिटी काफी अच्छा होगा, जो भी अच्छा है ना पहले उसको पढ़ने का आदत बनाइए अगर शुरू कर रहे हैं तो। अगर आप मीडियम स्टेज में है यानी कि पढ़ रहे हैं सब कुछ सही चल रहा है आपका, तो आपको जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे जीके से देखेंगे तो यहां से आपका 35 क्वेश्चन लगभग पूछा जाएगा, जीएस से देखेंगे आपका तो यहां पे आपका 30 क्वेश्चन लगभग 32 क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएस से, तो जीके जीएस को पहले कवर कर लीजिए। अब कोई कहेंगे कि हमको जीके और जीएस दोनों कमजोर है क्या करें, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, कमजोर है तो कोई दूसरा विद्या कहां से लगा लीजिएगा आप, उसी से क्वेश्चन आएगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पहले इंटरेस्ट जगाना होता, तरीका एक होता है कि रात में 3 बजे नहीं पढ़ना है, रात में 2 बजे 1 बजे नहीं पढ़ना है, आराम से दिन में पढ़ाई हो सकता है और सवेरे में पढ़ाई हो सकता है, तो इस तरीका को फॉलो करना है कि मतलब सबसे पहले इंटरेस्ट जगाना है पढ़ाई में। कैसे इंटरेस्ट जगेगा, हो सकता है कि आपका मैथ अच्छा होगा तो मैथ को ही पढ़िए ना, जो जो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम से लाभ हानि से आ जाता है, एवरेज से आ जाता है, कुछ रिस्क मतलब कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आपका एसआईसी ऐसे क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बना लीजिए, आपका बैठने का रूटीन सही हो गया, पढ़ने का रूटीन सही हो गया, कुछ समय आप दे पा रहे हैं पढ़ाई में, उसके बाद शुरू करिए जीके जीएस को, तो आपको पढ़ने मजा आने लगेगा। यानी कि सिंपल रूप में अगर हम कहें तो जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है सिलेबस में पढ़ने में, यानी कि बिहार पुलिस के सिलेबस में पढ़ने में, उसको सबसे पहले शुरू करिए पढ़ना और पढ़ते पढ़ते फिर हार्ड सब्जेक्ट की तरफ जाइए और उसको कवर करने के लिए बहुत सारा वीडियो हम बना चुके हैं, स्ट्रेटजी पर है, सिलेबस पर है, क्या कैसे पढ़ना है वो सब हम बना चुके हैं, उसको देखिए, मेरा टोटल वीडियो को बिहार पुलिस पर जो बना हुआ है उसको देखिए, बहुत ज्यादा आपका क्लियरिटी होगा, ठीक है, और आपके अंदर जो विश्वास होगा ना वो बढ़ने लगेगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और कोचिंग क्लास का जहां तक बात है कि कोचिंग करें कि नहीं करें, वो भी आप ज्यादा समझ पाएंगे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है। अब पूरा फाउंडेशन क्लास एक ही बार नहीं पकड़ लेना है बिहार पुलिस के लिए, कि जीके के लिए भी, जीएस के लिए भी, मैथ के लिए भी, हिंदी के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी, करंट अफेयर्स के लिए भी, स्पेशल नहीं, ऐसे में पूरा खत्म। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, जीके जीएस क्लास पकड़ लिए, सेट मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा होगा, साथ में तैयारी भी करते रहिए। लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है, पढ़ चुके हैं सब चीज, बस आपको लगता है कि हमको प्रैक्टिस का कमी है, तो कहीं मत जाइए, घर पे ही 5-6 घंटा समय दे दीजिए, उससे बेहतरीन कहीं नहीं होगा। जितने भी टॉपर होते हैं ना, क्लास तो करते हैं, ऐसा नहीं होगा क्लास नहीं करते हैं, क्लास करते हैं, लेकिन जब तैयारी का समय आता है ना, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करते हैं, खुद को समझने का ज्यादा प्रयास करते हैं कि हमको क्या समझ में ज्यादा आ रहा है, टीचर तो यह समझा दिया, हमको समझ में आया, मेरा इंटरेस्ट था उसमें, हम कर सकते हैं, कितने देर में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कौन अच्छा लग रहा है, कौन खराब, ये आप जानिएगा, ये सेल्फ स्टडी से ही क्लियर होता है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करिए और जितना ज्यादा हो उतना करने का प्रयास करिए, क्लास के साथ साथ भी, क्लास को बिल्कुल भी स्टडी के रूप में नहीं जोड़िएगा। अगर क्लास 5 घंटा आप कर रहे हैं तो समझिए 0 है, आप सेल्फ स्टडी जितना कर रहे हैं वही आपका हो पाएगा, क्योंकि उस पर आप समय दे रहे हैं, क्लास तो आप किसी और के सहारे पढ़ पा रहे हैं, किसी चीज को अपने से क्या पढ़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है ना। तो इस चीज को समझ गए, सिलेबस को भी समझ गए, क्लास कोचिंग अपने अनुसार आप देख लीजिए, जिसका करना है सभी चीज करना है, रीजनिंग का क्लास नहीं पकड़ लेना है, मैथ का क्लास नहीं पकड़ना है, हिंदी का क्लास नहीं पकड़ना, वो सब खुद से करना पड़ेगा, उतना प्रेशर तो आपको लेना पड़ेगा। क्लास पकड़ना है, जीके जीएस का पकड़ लीजिए, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, किसी अच्छे बुक को फॉलो करिए, बुक का भी जानकारी हम दे चुके हैं, आप सर्च करिएगा, मेरे चैनल पर समय दीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, और जो भी हम बुक सजेस्ट किए इसको भी लेना जरूरी है, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, अगर मिलेगा नहीं मिलेगा ऑनलाइन जरूर ला करके रखिए, आपके बिहार के एग्जाम में जरूर फायदा।